हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्वाइव ऑन रैप। सो गाइस, अब हम लोग करते हैं सीरीज को कंटिन्यू मगर गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने सामान वगैरह पता नहीं क्या किया था। हाँ, हमने इस कायाक बोट को बनाया था और आज मैं इस कायाक बोट का यूज़ बताऊँगा और आज हम लोग आइलैंड्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब आइलैंड्स एक्सप्लोर कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको आज इसी वीडियो में ही बता दूंगा। नो वरीज गाइस, वेल इसको डिस्कार्ड करते हैं। ओ, सामान हमारा पहुंच गया। और वैसे गाइस, एक बार हुआ ये था कि मैं कायाक बोट से मतलब कि आइलैंड एक्सप्लोर कर रहा था। आइलैंड एक्सप्लोर करते समय मैं हो गया था स्पॉन वहाँ पे। अब मुझे तैर के वहाँ से जाना पड़ेगा। तो गाइस हुआ ये था, एक सेकेंड गाइस, शायद मुझे अपना जो इन्वेंट्री है उसे खाली करना पड़ेगा। अरे यार, भर भर के सामान है। नहीं नहीं लिटरली गाइस, भर भर के सामान। भाई साहब पिटोगे भी, रैक्स को रखो और इनको भी रखो। अब गाइस देखते हैं क्या मिलता है इनसे। और वैसे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब समुंदर के पास से मुझे ये फ्लैश लाइट कैसे मिला। तो गाइस हुआ ये था कि एक बार गाइज मैं सबको बॉक्स करके अरे वाह, इसी छोटी सी चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो गाइज आज मैं आपको आइलैंड्स एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और वैसे इनको यहीं पे ही रहने देते हैं क्योंकि ओ मुझे स्क्रैप की ज़रूरत है। 50 स्क्रैप, इन्वेंट्री फुल। हाँ तो गाइज जगह खाली करते हैं फटाफट से। और वैसे गाइज मैंने एक छोटा सा स्टोरेज रूम बनाया है। मतलब कि क्या है कि मुझे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से घर मुझे बहुत ही पसंद है। तो उसी के क्रिएटिविटी आइडिया से मैंने ये छोटा सा झोपड़ा टाइप क्या बनाया है। और ये हमारे क्वार्टर होंगे जहाँ पे हम लोग रेस्ट नहीं कर सकते मतलब कि। और वैसे गाइज आप लोगों ने अभी क्या भी देखा होगा कि इतने सारे फ्लेयर गन मेरे पास कैसे आए। तो गाइज हुआ ये था कि आइलैंड्स में फ्लेयर गन भी मिलते हैं। हाँ गाइज, आइलैंड्स में फ्लेयर गन भी मिलते हैं, तो उन्हीं में से मुझे मिले थे। और वैसे गाइज मैं एक काम कर देता हूँ, अपना जो आधा इन्वेंट्री है जिसकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कचरे के डब्बे में डालो। खाने की भी अभी तो ज़रूरत तो है नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी तो है वैसे। और वैसे अभी मुझे पानी का ग्लास भी नहीं चाहिए, तो इनको हम लोग यहाँ पे अभी के लिए रख देते हैं। अब उठा लेते हैं और अब हम लोग एक ग्लास यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पर्ची क्या है। तो गाइस ये पर्ची है आइलैंड का रूट, मतलब कि ये पर्ची हमें बताएगी कि आइलैंड का है। सो स्टे ट्यून गाइस, स्टे ट्यून। और वैसे गाइस मुझे बहुत सारे हेड्स मिले थे जानवरों के, जो मिलता है उसी को उठा लो। और वैसे गाइस ये एक आइलैंड स्कैनर है, इसको मर्चेंट से बनाना पड़ता है। तो गाइस इसका रेसिपी ये है, ब्लूप्रिंट्स में जाएंगे, इधर है आइलैंड स्कैनर। हमें एक चाहिए माइक्रोवेव ओवन, ये सब मुझे चाहिए। और मुझे ये सब मर्चेंट से ख़रीद लिया और बना लिया, लेकिन ये अभी काम क्यों नहीं कर रहा। नीड ए बैटरी टू वर्क, बैटरी मेरे पास है मगर सबके सब डेड है। वाह भाई वाह, कैसी किस्मत आ गई है, फूटी किस्मत। और वैसे मेरे इन्वेंट्री में क्या क्या है अभी गाइज, मैं फटाफट से ना आइलैंड एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि अभी बातों का नहीं एक्शन का टाइम है यार। मैं आजकल राउडी भी इतना करता हूँ ना यार, सही में एक बार मैं ज़रूर पिटूंगा किसी ना किसी से। तो प्लेयर गन हटाओ। एक सेकंड गाइस, मैं छोटे से आइलैंड का रूट मैप ले लेता हूँ। यहाँ पे भी कुछ रूट मैप्स हैं, तो मुझे इन तीनों को लेना पड़ेगा और फिर मुझे इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा। स्मॉल, बिग, बिग, ओके। तो मुझे इन दोनों पर्चियों की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो गाइस अभी चलते हैं वेबल्स स्मॉल आइलैंड एक्सेप्ट। फ्यू, तो ये है वेबल्स। और गाइस आपको आइलैंड में जाने के लिए इंटरनेट एक्सेस करना ही पड़ेगा। और कैसा क्रीपी साउंड आ रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे सामने भूत आएगा। और
और ये हिरन आपको चोट पहुंचाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप इसे मार डाल। मैं तुम्हें बाहुबली की तरह मारूंगा यार। यार इससे पंगा लेना ही बेकार है, हटाओ यार। और ये क्या है? हाँ गाइस, मैं इस आइलैंड को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मतलब कि जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था तो ये भी एक आइलैंड था जो मेरे स्क्वाड में था। एक सारे के सारे आइलैंड्स एक जैसे नहीं होते, कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड भी होते हैं। कोई कोई हॉरर आइलैंड होते हैं, तो कोई कोई दूसरे आइलैंड। तो गाइस ये एक मिलिट्री बेस है। हाँ गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आइलैंड में मिलिट्री बेस कैसे। मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूँ। तो पहला प्रूफ है वो, दूसरा प्रूफ है ये, इधर टैंक्स है, मिलिट्री टैंक्स। अभी आपको तैर के दिखा देता हूँ कि ये सब मिलिट्री टैंक्स है और हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। ओ गवार कहीं के, सबसे पहले इनसे वेपन्स ले लो, मिसाइल वगैरह ले लो। उस शार्क, वो शार्क हमें एक बार मार डाल चुके हैं, तेरे दिमाग में बदला जैसा सीन नहीं आता क्या यार? कैसा? हाँ तो ये शायद मिनी गन है या क्या है, लेकिन यहाँ से मिसाइल फेंकते हैं। तो ये एक मिलिट्री बेस है और उधर है मिलिट्री बेस के वेपन्स। तो गाइस इसके पजल्स भी होते हैं। और ये कंकाल देखिए, कितना क्रीपी कंकाल है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लिया जाए, और ये ले लिया, ओके। और ये है वेपन्स, वेपन्स भी ये गवार साला नहीं लेता। और वैसे गाइस ट्रेजर इस रूम में होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस रूम को खेलते कैसे। अगर मैं इसमें एक डोर का साइन आता है, दिस रॉक कैनॉट बी ओपन विदाउट अ की, तो इसके लिए आपको एक। और वैसे ये होता है जंगली सुअर, इसको मारिए और फिर इनसे सामान वगैरह लीजिए। इधर सामान वगैरह भी मिलता है, अरे तो इधर से ऐसे भी मिलता है। तो गाइस आपको बस इतना कर रहा है कि आपको बस इस तंबू में जाना है, और देख सकते हैं यहाँ पे एक नोट है, दिस इज़ ऑल दैट रिमेन्स ऑफ द बेस, आई हाइड एवरीथिंग ऑफ द वैल्यू इन द सेफ। तो वो सेफ क्या है? तो वो गाइस सेफ है वो रूम, मतलब कि जो रूम जो लॉक था। और यह है वो डोर की। वेल मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये आइलैंड को, मतलब कि मैं इस आइलैंड में तीन तीन बार आ चुका हूँ। तो देखा गाइस, और अब गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये क्लोजेट है एक। तो इसका पजल बहुत ही सिंपल है, आपको बस 1 2 3 1 2 हो गया। भाई साहब 10 स्क्रैप कर लिए, इतनी दूर आया। वैसे शेल पल्स भी मिलते हैं कभी कभार चेस्ट में से। और गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, छोटे आइलैंड्स में छोटे ट्रेजर मिलते हैं, मीडियम आइलैंड में मीडियम ट्रेजर मिलते हैं, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और बिग आइलैंड में बड़े बड़े ट्रेजर मिलते हैं, जैसे कि फ्लेयर गन, फ्लेयर गन के एमओ, या किसी का मतलब कि वो शेल पर्ल्स, कभी कभार शेल भी मिल जाते हैं, शायद शेल मिलते हैं या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि शेल भी मिलते हैं। तो गाइज अभी यहाँ से चलते हैं। तो गाइज यही था वो आइलैंड। सो गाइज इस वीडियो के लिए तो बस था ही। सो गाइज आई थिंक इस वीडियो के लिए तो बस था ही। मुझे तो बहुत मज़े आए क्योंकि आज हम लोगों ने आइलैंड भी एक्सप्लोर कर लिया, और वो भी मिलिट्री बेस वाला। और इस गवार, ये जो गवार है, मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ, एक सेकंड गाइस, हाँ बोट जा रही है। सो है गाइस स्मैश दैट लाइक बटन गाइस इफ लाइक दिस वीडियो, इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब मैं चलता हूँ इन्वेंट्री खाली करने के लिए। गुड बाय।